Good morning, dear students. Welcome to the class once again. And today we will discuss the P block of class 12 in lecture 2. P block. Class 12, lecture 2. So, in the last class, we have some topics like atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, as well as metallic character and non-metallic character. So today we discuss all these topics: atomic radius, ionic radius, electron gain, electronegativity, metallic and non-metallic character, along with the trend of periodic table regarding these properties. So, first of all, कल हमने atomic radius की बात कर ली थी, लेकिन फिर आज मैं उसको दोबारा से revise कर रहा हूँ. The radius of atom, radius of atom, which is the distance between nucleus and the outer orbit. Nucleus से outer orbit के बीच का जो distance है उसको कहा गया atomic radius. When we move down the globe, atomic radius increases. When we move down the globe, atomic radius increases. And when we move left to right, atomic radius decreases. तो देखिए, चूंकि हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो डाउन द ग्रुप का है, कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. क्यों इंक्रीज कर जाएगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी लेवल इन ईच स्टेप. Due to addition of new energy level in each step. जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2, 2s2 and 2p3 ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है. फॉस्फोरस की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 and 3p3. तो हमें क्या कह रहा है कि यहाँ 2p3 है और यहाँ 3p3 है, तो एक स्टेप इंक्रीज कर दिया. अगर ये एक नाइट्रोजन का एटम है तो ये एक फॉस्फोरस का एटम होगा, जिसमें यहाँ पे एक ऑर्बिट जो है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. तो क्या है, नाइट्रोजन जो है वो छोटा है, फॉस्फोरस बड़ा है, फिर आर्सेनिक उससे भी बड़ा है, ठीक है. तो ये जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारे ट्रेंड्स को रेगुलर तौर पर पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, आईपी वैल्यू. देखिए, अगर कोई एटम है, ये कोई एटम है जिसमें सपोज दैट चार ऑर्बिट है, ठीक, और लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक. तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है. तो इसका डेफिनेशन हम क्या रखेंगे, द
amount of energy required to remove an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom. देखिए कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, सपोज ये Na का टुकड़ा है सोडियम का, ठीक, और सोडियम से क्या बन गया, सोडियम प्लस, तो बोला गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे कम एनर्जी है जो किसी एलिमेंट के आउटर सेल से, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम लिखेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो इसका जो आउटर सेल है वो क्या है, 3s1। तो इस आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है कब, जब कोई एटम अपने गैसियस स्टेट में, जब कोई एटम अपने गैसियस स्टेट में, तो दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मींस सोडियम विल फॉर्म सोडियम पॉजिटिव ऑन द कॉस्ट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे कि हमने क्या बोला, एल्यूमिनियम गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा निकला फिर तीसरा निकला, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बार तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा निकलेगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स की लेवल्स होती है, तो इसको बोला गया आईपी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास एक अच्छा सा ईजी सा ट्रेंड क्या है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/2 एटॉमिक साइज, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, सो एज एटॉमिक साइज हमें क्या पता है कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, डाउन द रो इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, सो क्या हो जाएगा, आईपी वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। डाउन द रो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ऐसा कह रहा हूं मैं, जब भी पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम डाउन द रो के ट्रेंड को ज्यादा अहमियत देंगे, इधर जाएंगे तो क्या होगा, आईपी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब देखो आईपी वैल्यू एटॉमिक साइज का जो ये रिलेशन है वो क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ये कुछ एटम बना लिए, ये कुछ एटम है, ठीक, सपोज ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है और ये बिस्मथ, सपोज करिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है साइज बढ़ रहा है, ठीक, साइज बढ़ रहा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। देखिए इनका जो एटॉमिक रेडियस है पहले इतना था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर ऐसे करके ये पूरा डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इजी होगा किसी इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर सेल से निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, ठीक है। जितनी दूरी होगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए, सो एज वी मूव डाउन द रो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, this is the ionization potential. Now electronegativity, electronegativity
फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज दैट ए बॉन्डेड विद बी ठीक है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बी का है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ए का है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बी का है लेकिन हुआ क्या सपोज दैट ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी की साइड में शिफ्ट हो गए क्यों शिफ्ट हो गए बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ए सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर increases and as we move down the road the electronegative character decreases ठीक है तो क्या बोला गया कि जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे p ब्लॉक जो ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे as compared to नीचे वाले एलिमेंट the upper members are more electronegative as compared to the lower members because The upper member, due to their small size, can easily attract an electron pair, can easily attract an electron pair as compared to the large member. क्योंकि electron pair को कौन attract करेगा? Nucleus attract करेगा. तो atom का size जितना छोटा होगा, electron pair उस nucleus से उतना ही नजदीक रहेगा, उतना ही जो है bond length जो है छोटी होगी. एटम का साइज जितना बड़ा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी सो स्मॉलर एलिमेंट्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द लार्जर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग हियर फॉर द सेम ग्रुप नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज सॉरी द फोर्थ वन इज मेटालिक कैरेक्टर नाउ मेटालिक कैरेक्टर इज व्हाट मेटल में जितने सारे कैरेक्टर हैं वो ठीक है जैसे अभी हमने बात करी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन द रोड डिक्रीज करती है क्यों डिक्रीज करती है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर मेटल का कैरेक्टर कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं है हमेशा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है देने के लिए तो ईए वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर सो एज वी मूव डाउन द रोड मेटालिक कैरेक्टर increases and as we move from left to right the metallic character decreases ठीक है जब भी हम left से right में जाएंगे मतलब p block की side में जाएंगे तो क्या होगा metallic character कम हो जाएगा और जब p block के upper level से lower level में आएंगे तो metallic character ज्यादा हो जाएगा ठीक है अगर बोला जाए कि nitrogen phosphorus arsenic एंटीमनी और बिस्मत इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है तो भैया बिस्मत सबसे ज्यादा मेटालिक है क्यों क्योंकि वो सबसे बड़ा उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम है ठीक है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है तो हमारे पास कितने सारे रिलेशन आ गए एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए ठीक अब क्या होगा इसको हम क्या करेंगे नॉन मेटालिक को देखते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक It is directly proportional to non-metallic.
क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर के एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टिपिकल है या कहें बहुत ज्यादा टिपिकल है, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी हाई है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी काफी ज्यादा है, लेकिन उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो काफी कम होगा, काफी छोटा होगा। ओके, तो एक लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज सोडियम लेते हैं, सोडियम के बगल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के आगे एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Then, when we move from this left to right, then first of all, electron gain enthalpy is less negative. देखिए बहुत important चीज़ है, electron gain enthalpy यहाँ पे क्या है? Less negative. इस साइड में आते आते क्या हो जाता है? मोर निगेटिव, और यहां क्या हो गया? जीरो। देखो बोला गया कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो है हमेशा बहुत कम निगेटिव है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ऐसे टेंडेंसी दिखाएगा। यहां बहुत मोर निगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा निगेटिव, कि ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक, सल्फर भी ले लेगा, क्लोरीन भी ले लेगा आराम से, ठीक। लेकिन जैसे ही हम जीरो ग्रुप में पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो। नोबल गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, बिकॉज़ दे हैव नो स्पेस, उनके पास कोई जगह ही नहीं है जहां वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या होगा कि नोबल गैस जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। लेकिन कभी भी जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वहां पर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन चारों टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, या तो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो इन चारों टॉपिक्स के, चार या पांच टॉपिक्स के बेस से सॉल्व होंगे, मतलब इनसे रिलेशन करने से आपका क्वेश्चन बनेगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके क्लास, गुड बाय।